सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको सितंबर मंथ में अपने टेरेस गार्डन पे जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनका ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टाइम जो बालसम के प्लांट हैं बहुत ही अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। इनको गुल मेहंदी के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में आपको लगभग 2 से 3 दिन का आपको मैं व्यू दिखाऊँगा। जब जब इनमें फ्लावर की संख्या बढ़ती जा रही है तब का व्यू मैं आपको दूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे बालसम के प्लांट हैं और मैंने कई सारी वैरायटियां इनकी लगा रखी हैं। तो लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरह बहुत सारे प्लांट लगाए थे और आप देख सकते हैं इस साल भी मैंने बहुत अच्छे से बालसम यानी गुल मेहंदी के प्लांट लगा रखे हैं और इनकी आप देख सकते हैं मैंने कई सारी वैरायटियाँ लगाई हैं। ये सारी वैरायटियाँ मैंने सीड से ग्रो की हैं और लास्ट ईयर भी मैंने सीड से ग्रो किया था। तो सीड से ग्रो करने का वीडियो भी मैंने अलग से दे रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या हम बालसम के प्लांट को इस टाइम लगा सकते हैं, तो हाँ, आप इस टाइम भी लगा सकते हैं। वैसे तो इसको आप जुलाई में सीडलिंग कर दें तो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी बड़े साइज़ के ये प्लांट हो जाते हैं। तो इस टाइम इनके फ्लावरिंग का टाइम है, तो अगर आप इस टाइम इनकी सीडलिंग करते हैं तो प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और छोटे से ही ब्लूम करने लगेगा। लेकिन अभी ये अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा, जब तक कि सर्दियां यानी कोहरा नहीं गिर रहा है तब तक कि ये बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा। तो बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, आप देख सकते हैं इनकी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। तो ये मेरे पास मल्टी पेटल और सिंगल पेटल के कुछ बालसम के प्लांट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने बहुत ही मिक्स करके एक साथ लगाया था प्लांट को और इस साल भी मैंने बहुत सारी सीडलिंग की और प्लांट बहुत सारे ग्रो हुए हैं और आप देख सकते हैं इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। सारे ही प्लांट जो हैं फ्लावर से भर चुके हैं इस टाइम। बालसम के प्लांट को बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, जितनी ज़्यादा इनको सनलाइट मिलेगी इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, इनमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। इनके लिए अगर पॉट साइज़ की बात करें तो लगभग 12 इंच का पॉट इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप 12 इंच के पॉट में एक या दो प्लांट को लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। बालसम के प्लांट के केयर पर मैंने अलग से वीडियो दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इधर साइड आप देख सकते हैं मेरी ये बोगेनविलिया का प्लांट है और इसमें आप ब्लूमिंग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था, आपको मैंने इनको कटिंग से ग्रो करने का बहुत ही आसान सा प्रोसेस बताया था। तो आप जब भी कोई भी कटिंग लगा रहे हो तो ऐसी ब्रांच को सेलेक्ट करें जो पहले से ब्लूम कर रही हो, तो उसको ब्लूम करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो ग्रो करते ही ब्लूम करने लगती है। तो ये जो मेरी बोगेनविलिया का प्लांट है इसमें बहुत ही छोटे बंच में फ्लावर आते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी घने फ्लावर आते हैं। और इसके अलावा ये जो दूसरी बोगेनविलिया के प्लांट है आप देख सकते हैं इसमें बंच में फ्लावर आते हैं, लेकिन इनके बंच जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं और इनके फ्लावर देख सकते हैं दूर दूर होते हैं लेकिन काफ़ी घने होते हैं। तो दोनों ही प्लांट को मैंने 12 इंच के पॉट में लगा रखा है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा राखी फूल का प्लांट है, जिसको पैशन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, कृष्ण कमल भी कहा जाता है। तो इनके कई सारे नाम हैं और इसमें जो पैशन फ्रूट फल आता है उसको खाया भी जाता है। तो ये एक वाइन प्लांट है, इसको भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा अपराजिता का प्लांट है और इस पर बहुत सारी ब्लूमिंग हो रही है। ये एक वाइन प्लांट है लेकिन मैंने इसको एक ट्री का शेप दे रखा है और इस पर आप ब्लूमिंग देख सकते हैं, बहुत सारी आपको फ्लावर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस पर बहुत सारे फ्लावर लेने के लिए मैंने अलग से वीडियो दे रखी थी, आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इन प्लांट को भी सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जितने भी मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको सनलाइट
ज़्यादा से ज़्यादा देने पे ये अच्छे से ब्लूम करते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मैंने जो मक्के का प्लांट आपको सीड से ग्रो करके दिखाया था उसमें मक्का लग चुका है, और इधर साइड आप देख सकते हैं ये हमारा जो लोटस का प्लांट है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसमें एरियल लीव्स आने लगी हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा गुलदुपहरी का प्लांट है, इसमें भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, इसको मैंने आपको सीड से ग्रो करके दिखाया था। तो अब मैं आपको कुछ दिन पहले लेके चल रहा हूँ जब काफ़ी सारी बारिश हुई थी, तो आप देख सकते हैं तब भी हमारे बालसम के प्लांट में बहुत सारे फ्लावर थे, और अलमांडा का प्लांट आप देख सकते हैं उसमें बहुत सारी ब्लूमिंग आपको दिखाई दे रही है। तो मैंने इसकी केयर पे आपको अलग से वीडियो दे रखा है, इस पर ज़्यादा फ्लावर कैसे पाएँ, इनकी केयर कैसे करें, इनकी पत्तियाँ अगर पीली पड़ रही हैं तो उनको कैसे सही करें, तो उसका पूरा प्रोसेस बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ऐसा वाइन प्लांट होता है जो काफ़ी ज़्यादा हार्डी होता है, और इसमें जो फ्लावर का साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप अलमांडा के प्लांट को अपने घर में लगाते हैं तो ये हमेशा आपको फ्लावर देता रहेगा, पूरे 12 मंथ आपको फ्लावर देगा। अलमांडा प्लांट की कटिंग को आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो सितंबर अक्टूबर ऐसा मंथ होता है जिस मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस मौसम में किसी भी प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो कुछ दिन पहले का हम अगर बालसम का व्यू दिखाएं जब बारिश हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो उस दिन का व्यू आप देख सकते हैं। इसमें मैंने कई सारी वैरायटी की जो भी मैंने प्लांट लगा रखे हैं उनमें सब में ब्लूमिंग आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हो रही है। तो इनकी अगर आप सीडलिंग अभी भी करेंगे तो सीडलिंग अभी भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और इनमें फ्लावर भी आपको मिल जाएगा। तो कई लोगों का कमेंट मेरे पास आ रहा था कि बालसम के प्लांट को क्या हम सितंबर अक्टूबर के मंथ में लगा सकते हैं, तो आप इनको लगा सकते हैं और इनसे आप फ्लावर भी ले सकते हैं। तो अभी नवंबर दिसंबर तक आपको बहुत आसानी से इनमें फ्लावर मिल जाएगा। तो अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, उससे पहले थोड़ी सी बारिश वगैरह आपको देखने को मिल रही है। तो इस मौसम में अगर आपको बारिश देखने को मिल जाए तो अपने प्लांट को आप किसी भी स्टिक से या धागे से इनको बांध के रखिए, क्योंकि बारिश होने के बाद इनका जो आप देख सकते हैं फ्लावर पे जो पानी की बूंदें पड़ जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा भारी होने के कारण क्या होते हैं कि जो आपका प्लांट है वो लटकने लगता है। तो आप इनको बांध के रखिए जिससे ये जो फ्लावर का वेट है वो प्लांट की स्टेम पे नहीं आएगा और हमारा जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रहेगा। तो देख सकते हैं आप हमारा जो प्लांट है वो सारे ही अच्छे से बंधे हुए हैं, तो एकदम स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर साइड आप देख सकते हैं ये मेरा अडेनियम का प्लांट है और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये काफ़ी छोटा प्लांट था और इस पर मैंने काफ़ी सारी आपको वीडियो दे रखी है इसकी केयर कैसे करें। तो देख सकते हैं काफ़ी सारी ब्रांचेस इसकी फ्लावर से भरी हुई है। तो इधर साइड आप देख सकते हैं मैंने बैगन का जो प्लांट आपको सीडलिंग करके दिखाया था और उसके बाद रिपोर्ट किया था, तो उसमें अब बहुत सारे बैगन लगना शुरू हो गए हैं आप देख सकते हैं। इसकी केयर पे मैं अलग से वीडियो दूंगा आपको। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है प्लूमेरिया, आप देख सकते हैं इसको मैंने लास्ट ईयर कटिंग से ग्रो किया था, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। और इधर साइड एक और बैगन का प्लांट है, और इधर साइड जो मैंने अभी हैंगिंग बास्केट आपको कुछ दिन पहले बना के दिखाया था, तो इसमें भी पोर्चुलाका में बहुत सारी बर्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम है इसलिए अभी ये ब्लूम नहीं किए हैं। और इधर साइड मेरे काफ़ी सारे प्लांट हैं आप देख सकते हैं, इधर साइड और भी कुछ मैंने पोर्चुलाका के प्लांट लगा रखे हैं, वेज पोर्टल का यूज़ करने का प्रोसेस मैंने बताया था। तो इधर साइड मेरा पपाया प्लांट देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसको भी सीडलिंग करके दिखाया था आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सर्दियां स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले काफ़ी बारिश हो रही है, तो बारिश में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं प्लांट। और इधर साइड आप देख सकते हैं हमारा जो चांदनी का प्लांट है काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रहा है, और इस पर भी मैंने अभी रिसेंट वीडियो आपको दिया था कैसे इसकी केयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूमिंग लें। तो आप देख सकते हैं मेरा जो गन्ने का प्लांट है उसमें फिर से गन्ने लग चुके हैं, मैंने पिछले बार जो गन्ने लगाए थे उनको काट के यूज़ कर लिया, उसके बाद फिर से इनके अंदर से नए गन्ने निकल आए हैं। तो इधर साइड आप देख सकते हैं जो मैंने येलो बेल यानी गोरी चोरी के प्लांट को सीड से ग्रो किया था वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इधर साइड आप देख सकते हैं ये मेरा अदरक का प्लांट है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है आप देख सकते हैं।
आप हमेशा मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि आपके जो प्लांट हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं इनके लिए दो तरह के ही पॉटिंग मिक्स तैयार करता हूँ, एक तो गोबर की खाद वाला और एक गोबर की खाद के संग सैंडी सॉयल वाला। तो दो ही तरह के पॉटिंग मिक्स को मैं यूज़ करता हूँ। बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से हमारे जो प्लांट हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितना ज़्यादा आसान तरीका प्लांट को लगाने का बता सकूँ, उतना ज़्यादा आसान तरीके से आपको प्लांट ग्रो करने का प्रोसेस बताता हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको टेरेस गार्डन का ओवरव्यू दे रखा है, अगर आपने वो टेरेस गार्डन का ओवरव्यू नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, विंटर स्टार्ट होने वाला है और अब हमें विंटर के प्लांट की सीडलिंग करना है या छोटे प्लांट को हमें बाई करना है, तो जल्दी मैं इस पे वीडियो देने वाला हूँ कि आप कौन कौन से विंटर के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सितंबर मंथ में कुछ फ्लावरिंग प्लांट का ओवरव्यू। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।